मैडम जी, मधु ने संजू पे जो भी इल्जाम लगाए हैं वो सब एकदम सही हैं। चलो, देर हो रही है। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर राजीव है उस पर मधुलिका के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगा है, जिस वजह से उसे जेल में डाला गया है। अब यहाँ पर जो परी है उसे राजीव भरोसा दिलाने की कोशिश तो करता है, लेकिन परी को ऑलरेडी अपने पति पर भरोसा है। और इसलिए वो हर वो कोशिश कर रही है कि राजीव को जेल से बाहर निकाल कर लिया है। मधुलिका की हरकतें एक दो बार परी देख चुकी है। मधुलिका को फोन पर बात करते हुए परी देख चुकी है। अब मधुलिका कहती है कि चलो मुझे अंदर जाके रोना धोना बेचारी बनना है, और वहीं पीछे जो है परी खड़ी होती है। अब परी मधुलिका को रोक लेती है, लेकिन तभी जो है मधुलिका का पति आ जाता है। परी कहती है, देखो प्यार करना, साथ देना अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हें अपनी पत्नी की सच्चाई का पता लगेगा ना, तब तुम्हारे पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। अब यहाँ पर जो है मधुलिका का पति परी पर चिल्लाता है, लेकिन परी उससे भी ज्यादा तेज चिल्लाती है और कहती है मेरे सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में दलीलें पेश की जाती हैं और यहाँ पर गवाह जो है पेश किया जाएगा राजीव के पक्ष में। अगर राजीव के पक्ष में चीजें आती हैं तो शायद कुछ सोचा जाए, लेकिन अभी तक जो है मधुलिका का केस स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो ऐसे में आखिरकार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।